सम्राट का प्रतिकार रहे थे, तो पार्ट वन में हमने काफी कुछ चीजें देखी, पार्ट टू में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज अपना भारत का क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो विधानसभा, जो सारे भारत में जो निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभा के सदस्य हैं वो 4,120 हैं, राज्यसभा से 233 हैं और लोकसभा से 543 हैं। दोनों अगर हम टोटल करेंगे तो 4,896 टोटल वोटर्स आ जाएंगे। वोट नहीं है ये, क्या है, वोटर्स है, ठीक है। और जो अनुच्छेद 55 है उसमें वैल्यू ऑफ वोट का पूरा की पूरी डिटेल दी गई है। देखिए उसमें दो प्रिंसिपल काम करते हैं, एक है स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन यानी कि बराबर, यानी कि राज्यसभा का जो सदस्य है उसकी भी इतनी ही वोट की वैल्यू होनी चाहिए और जो लोकसभा का मेंबर है एमपी है उसकी भी वोट की वैल्यू ही उतनी होनी चाहिए, यानी कि हर एक नागरिक जो हमारे देश का है उसके वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा इसमें देखा कैसे है, हर राज्य के हर व्यक्ति की भागीदारी बराबर होनी चाहिए, चाहे वो राज्यसभा से आता है या लोकसभा से आता है। राज्यसभा के मेंबर्स को भी विधानसभा के एमएलए चुनते हैं और विधानसभा के एमएलए को चुनती जनता, वैसे ही जो एमपी हैं लोकसभा के उनको जनता चुनती है, तो वो आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि वे हमारी वोट की वैल्यू कम है उसकी वोट की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को बराबर रखने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो देखिए दूसरा सिद्धांत आता है हमारे इसमें पैरिटी। पैरिटी मतलब समतुल्यता, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों का बराबर हिस्सा होना चाहिए। ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हावी हो जाए और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो थोड़ी लो लेवल पे रह जाए। तो इसमें क्या है, केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका बराबर होनी चाहिए। जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है उसमें पैरिटी होनी चाहिए, समतुल्यता होनी चाहिए। तो हम देखते हैं तो इस प्रकार से अगर इसको हम देखेंगे, देखो वैल्यू ऑफ वोट, वोट क्या है, विधानसभा मेंबर की हम पहले देख लेते हैं जो वैल्यू ऑफ वोट है उसको निकालने का तरीका है। देखिए बड़ा सिंपल सा तरीका है और लगभग सारे वर्ल्ड में यही तरीका अपनाया जाता है, सिंपल सा तरीका है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, जो भी स्टेट है उसकी पॉपुलेशन और उसको विधानसभा के निर्वाचन संख्या से भाग कर देंगे और भाग उसको फिर हजार कर देंगे, ठीक है, उसको हम समझेंगे, ठीक है। जैसे देखो एक नंबर की वैल्यू जैसे देखिए एक नंबर की वोट की वैल्यू, जैसे मान लो किसी स्टेट की जनसंख्या है 10 लाख, ठीक है, और वैकेंसी है 10, यानी कि कितनी वैकेंसी है, 10 मेंबर्स जनसंख्या है 10,000, ठीक है। तो हमें 10,00,000 × 10 गुणा 1/1000 कर दिया, क्योंकि तो 1000 है पात्र ना, तो 1/1000 एक जीरो से एक जीरो कट गई, ठीक है, और 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो 100 आ गया, है ना। तो जो वैल्यू हो गई एक मेंबर की वैल्यू आ गई 100, ठीक है। तो जो हमारा मूल संविधान था, मतलब जो जनसंख्या है, जनसंख्या के बारे में थोड़ा सा अभी मुद्दा चल रहा है, जो मूल संविधान है उसमें क्या लिखा गया था, भाई जनगणना हर एक 10 साल में जनगणना होती है, ठीक है। तो जो उसमें लिखा गया था कि जो लेटेस्ट जनगणना होगी और उसके जो आंकड़े प्रिंट होकर के आएंगे उस जनसंख्या के अनुसार, ठीक है, तो जो सीटें हैं उनका निर्धारण किया जाएगा। तो जैसे जनगणना होती है हमारी 1951 में हुई थी, 61 में हुई थी, 71 में हुई, तो 71 में क्या बात होती, हमारे देश में फैमिली प्लानिंग शुरू की गई, जनसंख्या को नियंत्रण किया जाए, जनसंख्या विस्फोट हो गया था। तो ये बात दक्षिण भारत वाले जो थे वो जल्दी समझ गए थे, और जो हमारे उत्तरी भारत के लोग हैं वो इतनी जल्दी बातों को नहीं समझ पाए, और उत्तरी भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती गई और जो दक्षिण भारत की जनसंख्या है वो घटती चली गई, मतलब उन्होंने अपना संतुलन कर दिया। तो उन्होंने फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे उसी लोग आगे बात रखी, भाई हमारी जनसंख्या कम है और उत्तर भारत की जनसंख्या है तो हमारा प्रतिनिधित्व घट जाएगा,
ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने फिर इसका एक तरीका निकाला, उन्होंने 42 में संशोधन के जरिए 1976 में अनुच्छेद 3 में लिखवा दिया। क्या लिखवा दिया कि 2000 के बाद की जनगणना के रिजल्ट आने तक 1971 की जनगणना के अनुसार ही सीटें निर्धारित रखी जाएंगी। यानी कि जो 2000 के बाद जनगणना होगी, ठीक है, उसके बाद जो भी आंकड़े प्रिंटेड होंगे उस प्रिंटेड आंकड़े के अकॉर्डिंग वो जनगणना जो आएगी 2000 के बाद उसके बाद से जनगणना होगी। तब तक के लिए 1971 की जनगणना को मान्य किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 84वां संशोधन हुआ 2021 में, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अनुच्छेद 55 में लिखवा दिया, क्या लिखवा दिया, 2026 तक जो भी जनगणना के डाटे आएंगे, आंकड़े आएंगे, उसके अनुसार 1971 की जनसंख्या ही काम करेगी। तो अभी 2026 की जो जनगणना है या आंकड़े आए नहीं है, तो उसके बाद परिसीमन ने दिया, कल मैंने बात की थी, परिसीमन आयोग सीटें निर्धारित करेगा। तो विधानसभा के जो कुल वोट है वो है 5,49,474। जो वोटर्स थे वो आपने देखा था, वोटर्स क्या थे, 4,120 वोटर्स थे, और उनकी जो वोट है, उनकी जो वोटर की वैल्यू है टोटल, वो है 5,49,474, ठीक है। और ये एमपी के जो वोट की वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं, ये तो हमारी होगी, जो कि हमने तरीका बताया था कि भाई क्या बताया था, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, जिस स्टेट की जनसंख्या की हमने निकाल दी है उसकी जनसंख्या, और बाद में जो उसके विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, बाद में 1000, इस फॉर्मूले के जरिए हम उनकी जो वैल्यू निकलती है वो 5,94,474 निकलती है। आप एमपी के वोट की वैल्यू देख लें, सभी राज्यों के विधायकों का मूल्य, ठीक है, और सभी निर्वाचित दलों की संख्या, सभी राज्यों के विधायकों की वोट का मूल्य, ठीक है, वैल्यू, सभी निर्वाचित दलों की संख्या। तो सभी राज्यों में जो वैल्यू निकल के आई थी वोटर्स की, 5,49,474 आई थी, ठीक है। और टोटल एमपी लोकसभा के और राज्यसभा के जो टोटल मेंबर्स थे कितने थे, 776, इनको अगर हम भाग करें तो 708 कुछ निकल के आता है, लेकिन राउंड फिगर में जैसे अगर 500 या 500 से ज्यादा आता है तो उसको हम एक जोड़ लेते हैं, 500 या 500 से कम आता है तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से फार्मूला बना कर जो राउंड फिगर आया वो आया कि एक एमपी की जो वोट की वैल्यू है वो 708 है, ठीक है। तो एक सांसद की जो वैल्यू निकल के आई है वो 708 है, और जो इस तरह से विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी जो वैल्यू है 5,49,474 है, और जो एमपी की वैल्यू है 5,49,408 है, और दोनों का हम जोड़ करेंगे तो कितनी वोट मिलेंगी, बनेगी 10,98,882। जो टोटल राष्ट्रपति के इलेक्शन के में जो वोट डलेंगी दोनों की वैल्यू हमने जोड़ी तो 10,98,882 जो है टोटल वोट बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जैसे स्टेट हैं, जनसंख्या के हिसाब से हर एक स्टेट की जो एमएलए जो राज्यसभा के मेंबर हैं या ना सॉरी जो विधानसभा के मेंबर हैं उनकी वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे यूपी है, यूपी में जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पर एक वोटर्स की जो वैल्यू निकल के आती है वो 208 है। तमिलनाडु और झारखंड की जो वोटर्स की वैल्यू है वो 176 है। आंध्र प्रदेश की 8 है, और हरियाणा का जो एमएलए है उसकी जो वोट की वैल्यू है 112 है। तो इस प्रकार से हर एक स्टेट की अलग अलग वोट की वैल्यू निकल के आती है, क्योंकि सभी स्टेट्स में जनसंख्या जो है अलग अलग है 1971 की जनगणना के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो वोटिंग है इसमें जो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है उसमें जो वोटिंग है वो वरीयता के आधार पर लगती है, प्रोफेशनल के हिसाब से बनती है। जैसे हमने कैंडिडेट मान लो चार खड़े हुए हैं, 1, 2, 3, 4, या हम जैसे हम इसको ABCD में लिख सकते हैं या 1, 2, 3, 4 लिख सकते हैं, जो भी आप अच्छे से समझना चाहे A, B और C, D, ठीक है। तो यहाँ जैसे हम इलेक्शन में जाते हैं, पंचायत इलेक्शन
या म्यूनिसिपलिटी का इलेक्शन या विधानसभा का या लोकसभा का, उसमें हम सिर्फ एक ही कैंडिडेट को वोट डालते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के मामले में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के मामले में हमें जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उन सभी को वोट डालनी पड़ती है। वोट की वैल्यू हमारी एक ही रहेगी, लेकिन हम उसमें हम वरीयता देंगे, भाई हम सबसे पहले नंबर पर किसको पसंद करते हैं। तो जैसे हमने चार मेंबर हैं, तो जैसे हमने मेंबर अपने चूज करना है, तो जैसे मैं चाहता हूँ सी जो है वो राष्ट्रपति बन जाए, तो हम वहाँ एक मेंबर डाल देंगे। उसके बाद सबसे पहले सी ना बने तो हम किसको राष्ट्रपति चुनेंगे, तो हम ए को दो नंबर पर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद डी है उसको तीन नंबर पर डाल देंगे, सी उसको एक नंबर पर डाल देंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें हमने वरीयता देनी पड़ेगी, सबको वोट डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे कई बार राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें जो वोटिंग होती है उसमें जैसे एमएलए की वोट की जो वैल्यू होती है, जैसे मान लो कि इस बार समझाता हूँ मैं, जैसे अपना हरियाणा है, हरियाणा का टोटल वैल्यू वोट जैसे है तो टोटल निकाल होता है, तो जैसे हरियाणा का है 90 एमएलए की सीट है राज्यसभा के निकाले वैल्यू में। जैसे मान लो हरियाणा है भी पीछे चार सीटें हरियाणा के राज्यसभा की खाली हुई थी, तो चार चार का इलेक्शन था, तो उसका सिंपल सा फार्मूला है कि टोटल वैल्यू ऑफ वोट, ठीक है, कितनी वोट डालनी है। तो जैसे कि हमारे विधानसभा की जो सीटें हैं हरियाणा की वो 90 हैं, तो यदि कितनी वोट डलेंगी, 90 वोट डलेंगी, तो फोर नंबर ऑफ वैकेंसी, चार सीटें खाली हुई है राज्यसभा की, तो चार टोटल वैकेंसी होगी, उसमें फार्मूला है प्लस वन, फिर उसके बाद प्लस वन, ठीक है। तो 90 बटे 5 रुपया 4 जोड़ने के बाद तो हमने निकाला तो 18 × 5 = 90 और 18 × 19, तो राज्यसभा का जो मेंबर है जिसको चुनने के लिए जिसको 19 वोट मिल जाएंगी वो राज्यसभा के लिए चुना जाएगा। तो कई बार क्या होता है, जैसे कंपनी एक व्हिप जारी करती है, कोई सबको उसकी वोट डालनी पड़ती है, लेकिन कई बार इतने पैसे वाले इलेक्शन में खड़े होते हैं कि मेंबर को रिश्वत को ऑफर कर देते हैं, पैसे दे देते हैं, भाई आप मेरी वोट डाल देना, आपको इतना पैसे दे देंगे, लेकिन वो क्या कहते हैं, भाई मैं जीतूंगा उसके पहले वो पे स्लिप वगैरह दे देते हैं, या थोड़ा पैसा देते हैं, उसके बाद कहते हैं भाई इतना मनी मैं जीत जाऊंगा तो मैं इतना पैसा वापस करूंगा। तो कई बार इलेक्शन में जैसे रिश्वत कर देते हैं, पेशगी दे देते हैं, पेशगी देने पर जैसे भाई आप मुझे वोट दोगे तभी पहले एडवांस में इतना पैसा दो, जिसमें जीत जाऊंगा तो जीतने के बाद मैं इतना पैसा वापस दे दूंगा, तो कम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इब जारी करती हैं। तो कई बार जैसे गुप्त मतदान है, अनुच्छेद 55 में लिखा गया है कि जो मतदान होता है वो गुप्त होता है, तो 2006 में संशोधन किया गया कि जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो हाथ खड़ा करके वोटिंग करेंगे। इससे क्या होगा, जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है उसमें ये पता चल जाएगा भाई किस एमएलए ने किसकी वोट डाली है, तो जो जनता जैसे जो चंदा आना चाहिए था वो पार्टी को जाना चाहिए था, और वो पार्टी को नजर करके वो किसी पर्टिकुलर मेंबर की जेब में जा रहा है, तो इस वजह से तो पार्टी ने देखने के लिए भी हम व्हिप जारी करते हैं और हमारी बात नहीं सुन रहे हैं मेंबर, तो उसको आगे मतलब पता करने के लिए कौन किसी वोट डाल रहा है। तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए इस संशोधन 2006 में लागू कर दिया गया कि भाई अब हमने क्या नाम है जो इलेक्शन है राज्यसभा का वो हाथ खड़ा कर दिया, उससे क्या है पता लग जाता किस आदमी ने किस वोट दिया। लेकिन राष्ट्रपति के मामले में ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो गुप्त मतदान के जरिए अनुच्छेद 55 में साफ लिख दिया गया है, ठीक है। तो गुप्त मतदान है, तो एक बार जैसे जब प्रणब मुखर्जी थे उस समय मुलायम सिंह यादव जी का जो कोर्ट है वो खारिज कर दिया गया, ठीक है। वो क्यों खारिज कर दिया गया था, जैसे प्रणब मुखर्जी इलेक्शन में खड़े हुए थे और उनके अगेंस्ट थे पीए संगमा, तो उन्होंने गलती से पीए संगमा के आगे वरीयता क्रम एक डाल दिया। अब उनको एकदम से गलती का एहसास हुआ, वोट प्रणब मुखर्जी को डालनी थी और वो डाल दिया पी एस एम को, पहली वरीयता दे दी, तो उसने भाई कहा भाई नहीं नहीं मैं मेरे वोट गलती से, मुझे दूसरा बैलेट पेपर दिया जाए, ठीक है। दूसरा पेपर बैलेट पेपर उसको दे दिया गया, उसने वोट डाली, बीजेपी के जो सदस्य थे जो पार्टी थी उन्होंने इसको ऑब्जेक्शन डाल दिया, एक भाई क्या नाम है दूसरा बैलेट पेपर तो हम दे नहीं सकते, एक ही डालना पड़ेगा, ठीक है।
तो उनका वोट खारिज कर दिया गया। फिर बाद में अध्ययन किया गया तो वोट खारिज क्यों किया, पहला जो इलेक्शन है जो पहला वोट डाला था वो उन्होंने बता दिया भाई पहला वोट मैंने उसको डाल दिया वोट मतदान नहीं रहा इसलिए उसमें वो खारिज हो गया। दूसरा जो बैलेट पेपर इस वजह से खारिज, दूसरा बैलेट पेपर दे नहीं सकते इस वजह से मुलायम सिंह यादव का जो वोट है वो खारिज हो गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वरीयता डालते हैं। ठीक है, अगर काउंटिंग होती है काउंटिंग कैसे होती है, काउंटिंग होती है जैसे हम इलेक्शन होगा तो उसमें कोटा निर्धारित किया जाता है राष्ट्रपति इलेक्शन में। जैसे हम इलेक्शन पंचायत का इलेक्शन है या लोकसभा का इलेक्शन है या विधानसभा का इलेक्शन है उसमें कोई कोटा निर्धारित नहीं किया जाता, लेकिन जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है उसमें कोटा निर्धारित किया कर दिया जाता है कि भाई उसको इतनी वोट प्राप्त करनी ही करनी पड़ेगी। जितनी वोट है उनका परसेंटेज है 51% जो वोट लेगा 50% से जो ज़्यादा वोट ले जाएगा वो इलेक्शन जीत जाएगा, वो कोटा निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है, तो कोटा निर्धारित कैसे करते हैं, टोटल ऑफ वेल तो हम क्या करते हैं, जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स होती हैं वो नंबर ऑफ वैकेंसी प्लस एक उसके बाद फिर प्लस से, तो ये कोटा निर्धारित है। जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन जैसे ये है, मान लो टोटल वोट है 10 लाख बटा एक वैकेंसी कितनी है एक प्लस एक फिर प्लस एक, तो हमने क्या कर दिया 10 लाख बटे 2, तो हमने जो 10 लाख को 2 से डिवाइड किया तो 50,000 आ गया, तो 5 लाख आ गया, 5 लाख में हमने जोड़ दिया 5 लाख एक, यानी कि 10 लाख जो वोट मान लो 10 लाख वोट ली है और 10 लाख वोट में से उन्होंने 5 लाख एक वोट डाल दी तो वो इलेक्शन जीत जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, उसके बाद से कोई भी हमारे देश में 2 बार राष्ट्रपति नहीं बने हैं। 1952 में अमेरिका में रूजवेल्ट सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 में और अमेरिका में एक रूजवेल्ट नाम के राष्ट्रपति हुए थे, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, तो 1933 में राष्ट्रपति बने क्योंकि वहाँ पर जो कार्यकाल है राष्ट्रपति का 4 साल होता है। 1937 में बने, 1941 में बने, 1945 में, लगातार 4 बार बने। ठीक है, तो लगातार 4 बार बने, तो 1951 में राष्ट्रपति में 1952 में अमेरिका में 22वां संशोधन किया गया कि भाई जो कोई भी कैंडिडेट है वो अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप से पहले बन जाता है तो उसमें ये नहीं कि भाई जैसे तो उपराष्ट्रपति पूरे ट्रंप के लिए राष्ट्रपति बन जाते हैं, तो उपराष्ट्रपति हमारे देश में क्या है मान लो बाई चांस राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है और बीच में कोई उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद पर आ जाता है, लेकिन वहां पर अपने संविधान में लिखा गया है कि भी वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक राष्ट्रपति के इलेक्शन सॉरी राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है, उसके बाद 6 महीने के बाद इलेक्शन करवाना ही करवाना पड़ता है। लेकिन अमेरिका में स्थिति दूसरी है, अमेरिका में मान लो जो राष्ट्रपति का राष्ट्रपति जो बाकी समय है उसे बचे हुए समय में जो उपराष्ट्रपति है वो पूरे समय के लिए राष्ट्रपति बन जाता है, भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा राष्ट्रपति का इलेक्शन का था। अब जैसे हम काउंटिंग कैसे करेंगे तो इसको समझ लेंगे, ये थोड़ी प्रक्रिया थोड़ी सी ध्यान देने की है। देखें जैसे हमारे पास 4 कैंडिडेट खड़े हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो हमने सी को पहली वरीयता दे रखी है, बी को सॉरी ए को दूसरी वरीयता दे रखी है, बी को तीसरी वरीयता दे रखी है और डी को फोर्थ दे रखी है। ठीक है, अब टोटल मान लो टोटल वैल्यू मान लेते हैं 100 वोट डली है क्योंकि मानने का जो आसान पर 100 है छोटी संख्या है और अच्छे से समझ में आ जाती है। ठीक है, तो पहला राउंड की जैसे काउंटिंग हुई, पहले राउंड में काउंटिंग जैसे ए को मिली 40, बी को मिली 30, सी को मिली 20 और डी को मिली 30। अब यहाँ पर टोटल निर्धारित किया गया है कितना भी जो 51% जो वोट लेगा यानी कि जो 51 वोट लेगा वही राष्ट्रपति बनेगा, लेकिन अब यहाँ पर 51% से कम रह गई है इसलिए इसमें से कोई राष्ट्रपति पहले राउंड में नहीं बनेगा, तो क्या होगा दूसरे राउंड की काउंटिंग चलेगी। दूसरे राउंड की काउंटिंग क्या होगी, अब जो डी है उसकी जो दूसरी वरीयता है वो देखी जाएगी, तो दूसरी वरीयता में किसकी है किसको ज्यादा किसको वोट मिली है। दूसरे नंबर की वरीयता दूसरे क्या आया, देखो ए को पहली वरीयता दे रखी है, ए को बी में बी को 7 वरीयता दे रखी है और सी को दे रखी है 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम पिवोटों को जोड़ देंगे,
जैसे ए को जिसे इसमें एक जोड़ दे 40 वोल्ट होगी इसके पास, बी बी पूरी तक खोल ली ठीक है, तो बी को मिली 60, यहाँ पर उसकी वोल्ट होगी 37, और अगर उसके पास सी पूरी तक खोल ली तो सी को मिली तो वोल्ट होगी टोटल 22। लेकिन अभी दूसरे राउंड में भी कोटा तक नहीं पहुंचे हैं ठीक है, उसके बाद थर्ड राउंड चलेगा। थर्ड राउंड चलेगा जैसे हम जैसे सी को 22 वोट मिली, क्योंकि हम सी को डी से बाहर हो गया ठीक है, डी काउंटिंग में दो से बाहर हो गया, तो हम सी को खोलेंगे, सी को कितनी वोट मिली थी 22 ठीक है, तो 22 को जैसे हम खोलें तो 20 इसको भाग लेते हैं एक 20 पर दो, तो इसको हम देते हैं एक और दो। अब जैसे 20 है, अब 20 की हम क्योंकि डी को हम वरीयता दे नहीं पाएंगे, तो डी तो बाहर हो गया, तो वो किसको वरीयता देंगी, ए बी और सी को, डी क्योंकि डी तो बाहर चला गया था उसको तो वरीयता दे नहीं सकते ठीक है, तो वहां को ले तो ए को मिली वहां पर 5, बी को मिली 12 और सी को मिली 3 ठीक है। अब जो दो रह गई थी, जो दो उसकी रिपोर्ट, तो उसमें देखेंगे हम ए और बी हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पर ए को मिली 1 और बी को मिली 1, दोनों को 1-1 मिली। तो अब यहाँ पर हम जोड़ देंगे, जैसे जो ए है ए को मिली थी यहाँ पर 5 वोट मिली ठीक है, एक इसके मिल गई थी, एक इसको मिल गई थी और एक ये 5, एक एक 7 हो गई, और उसके बाद बी को मिली थी 12 और दो ये थी, एक एक इसमें ये चली गई ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 15, ये टोटल हो गई हमारी 22। थर्ड राउंड में ए और बी को, ए को मिल गई 7 और बी को मिल गई 15, तो अब इनको फिर जैसे हम जोड़ेंगे 15 इसकी वोट, जो ए को जोड़ी हमने 7 वोट और जोड़ दी, तो इतनी होगी 48 प्लस 7 होगी, उसके बाद जो बी है बी के अंदर हमने जोड़ दी 37 और इसको होगी 52, तो जैसे ही 52 मिला तो कोटा से, जैसे कोटा उसको पूरा मिल गया, तो किसको जीत हो गई 52 जो 52 जिसको वोट मिली है बी को मिली है, तो ये थर्ड राउंड में 52 जो है जीता घोषित हो जाएगी। अब देखिए थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं, आज तक के जो निर्विरोध प्रेसिडेंट, वो तो इससे पहले जो हमने देखा कि समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड की काउंटिंग चली, वरीयता के अकॉर्डिंग वोट हस्तांतरित होती रहे और वो वोट हस्तांतरित होकर के जहां जिसको 50% से कोटा ज्यादा मिल गया, जहां 50% से उसको कोटा मिल गया वही जीत जाएगा, तो 20 को थर्ड राउंड में 50% से ज्यादा कोटा मिल गया तो वो जीत जाएगा। अब थोड़ी सी ये तो राष्ट्रपति इलेक्शन काउंटिंग संबंधित था, अब थोड़ी सी वैसे जानकारी लेते हैं, जैसे जो सबसे पहले हमारे पहले अनअपोज्ड प्रेसिडेंट थे, जो निर्विरोध आज तक के जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं वो थे नीलम संजीवा रेड्डी 1977 में। 1977 में केंद्र सरकार द्वारा चुने जाने पर भी हार गए थे, इनके पास दो रिकॉर्ड हैं, नीलम संजीवा रेड्डी के पास दो रिकॉर्ड हैं, कौन कौन से, कि जो नीलम संजीवा रेड्डी हैं निर्विरोध 1977 में चुने गए थे और केंद्र सरकार के द्वारा खड़े किए जाने पर भी यही राष्ट्रपति जो चुनाव हार गए थे, उस समय भी बीगड़े जीते थे। पहले 13 मई को राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते थे, लेकिन अब हमने पहले जैसे वीडियो में बता रहा हूँ 25 जुलाई को उनका शपथ निर्धारित कर दिया गया, 3 मई 1977 राष्ट्रपति जाकर उससे की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद से राष्ट्रपति नीलम संजीवा बने थे, नीलम संजीवा रेड्डी जो बने थे उन्होंने 25 जुलाई को शपथ ग्रहण की थी और उसके बाद से 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करते आ रहे हैं। और जो वीवी गिरी थे आज तक जो सेकेंड काउंटिंग में जीते हैं, वीवी गिरी बड़ा बीबीगिरी तो वो सेकंड काउंटिंग में, यानी कि फर्स्ट राउंड में जैसे दूसरी राउंड में काउंटिंग में बीबीगिरी इलेक्शन जीते थे। तो जो रोबोट्स का रिकॉर्ड है पर वो देख लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस काउंट में 99.3% से वो जीते, उसके बाद डॉक्टर राधा कृष्ण है 1962 में 98.3% से जीते, और डॉक्टर के आर नारायण 54.75% से 1997 में इलेक्शन जीते थे। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति से संबंधित आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया।